ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी उस महान अलौकिक पिता की संतान हैं, जिसने अपनी गहन तपस्या के बल से सर्वप्रथम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, जो कर्मातीत हुए, सर्वगुण संपन्न हुए, सर्व शक्तियों से भरपूर हुए, सदा उपराम हुए, अनासक्त हुए, नष्टो मोहा हुए, और इसलिए सदा के लिए भगवान के साथी बन गए और उनके महान कार्य में संपूर्ण योगदान करने लगे। वो अब भी अव्यक्त रूप में भी शिव बाबा के माध्यम हैं, जिनके द्वारा हमारे परम पिता इस सृष्टि को परिवर्तन करने का, सभी आत्माओं को सकाश देने का, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। बाप दादा ने माता पिता के रूप में हम सब की बहुत पालना की और सभी को सिखाया कि तुम भी सबकी पालना कैसे करो। जिस मनुष्य में दूसरों की पालना करने के संस्कार हैं, ये उसके राजाई लक्षण हैं और वही व्यक्ति राज पद को प्राप्त करेगी। ऐसी आत्माएं जो दूसरों का बहुत ध्यान रखती हैं, जो दूसरों को सुख देती हैं, जो दूसरों के दुख हरती हैं, जो बहुत रहमदिल हैं, वही राजाई पद के अधिकारी बनते हैं। हम भी अपने माता पिता को फॉलो करके सबकी पालना करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने माता पिता बनकर सबकी पालना की, स्थूल भी की, सूक्ष्म भी की। दोनों ही पालना का परम महत्व है। संसार में भी, व्यवहारिक तौर पर भी, कोई हमारे पास आता है, हम उसकी किस तरह खातरी करते हैं, ठीक ऐसे ही अलौकिक रूप से भी कोई हमारे द्वार पर शांति लेने आए, हमें उसे शांति देना आना चाहिए। कोई विघ्नों के कारण हमारे द्वार पर आए, विघ्नों से घिरा हुआ हमारे पास आए, हम विघ्न विनाशक बनकर उसके विघ्नों को नष्ट भी करें और उसको विधि भी बता सकें। सबसे बड़ी पालना हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से ही होते हैं। कोई बहुत दुखी व्यक्ति हमारे पास आ जाए और हमारे चेहरे को देखकर, हमारे वाइब्रेशंस को देखकर, हमारे दो शब्द सुनकर दुखों से, तनाव से मुक्त हो जाए, तो ये उसकी बहुत ही श्रेष्ठ पालना होती है। तो हम अन्य आत्माओं की पालना करने के लिए स्वयं को पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, खुशी, इन सभी खजानों से भरपूर करें। जितने हम खुश रहेंगे, जितने हम तनाव मुक्त रहेंगे, जितने हम योग युक्त रहेंगे, जितने हम ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, अशरीरी होने का अभ्यास करते रहेंगे, शुभ भावनाओं से भरपूर होंगे, तो हमारे द्वारा सर्वात्माओं की सहज ही पालना होती रहेगी। तो सभी जो भगवान के बच्चे हैं, जिन्हें संसार को दुखों से मुक्त करना है, वो याद करें, बाबा ने कह दिया है, जब तक तुमने सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं किया, तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे। बहुत बड़ा कार्य बाबा ने हमको दिया है और हमें सर्व आत्माओं की पालना करके बाबा के इस कार्य को संपन्न करना है। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं भी माता पिता की तरह मास्टर पालन करता हूँ। मुझे भी अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देखकर सभी की पालना करनी है। मैं पूर्वज हूँ,
पूर्वज आत्माओं को इस सब की पालना करनी होती है। ये दोष वमान सारे दिन याद रखेंगे और अभ्यास करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, हर घंटे में एक बार बाबा की दृष्टि प्राप्त करेंगे, उसके वरदानी हाथ का सिर पर होने का अनुभव करेंगे और स्वयं को ईश्वरीय वाइब्रेशन से निरंतर भरपूर करते रहेंगे। तो आइए आज का दिन परमात्मा वाइब्रेशंस में व्यतीत करें। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।